वो सेठ का लड़का हमेशा ये मॉल में 4-5 लड़कियों के साथ घिरा रहता है गुरु, हमें तो किसी से भी नहीं मिला। गीता, ये बंधन धरती के लिए और ये जान तेरे लिए, मैं मरने जा रहा हूँ। अरे मैंने गीता को फोन किया है, वो आती होगी। वो नहीं आएगी, मैं मर रहा हूँ। गीता के बिना मैं नहीं जी सकता, नहीं रह सकता, बचाओ तुम लोग मुझे। संजय वेट्स गीता पार्ट 2। इस हाइट से गिरने के बाद इसका पैर भी नहीं टूटेगा और ये कूद के मरने का ड्रामा कर रहा है। संजू, वहीं पर रुको, वहीं पर रुको, अगर मेरे पास आती तो मैं कूद के जान दे दूंगा। तेरे मरने के बाद तेरी बॉडी यही रोड पे पड़ी रहेगी और तेरा ये थोबड़ा है ना, उस पे गाय कूदेगी। अब जाके खुद तू नरक में मरेगा। अब ये नहीं सब चाहता ना तो चल नीचे उतर। वो लड़का नीचे गिर के तो नहीं मरेगा, वो मोटी के डर से जरूर उतर जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। क्यों भाई? बचने के लिए। अच्छा, गीता आ गई क्या? गीता, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं मर जाऊंगा। मत करो, मरो मत। Excuse मैं तुमसे लव करती हूँ। सच में? हाँ, प्लीज उतर जाओ। मेरी जान गीता, वहाँ खड़े रहे। बता। देखो मुझ में एक वीकनेस है। ए, मुझे मंजूर है। क्या वीकनेस है बताओ मुझे गीता। देखो तुम सुनो, डेली सेम सेम खाना मुझे पसंद नहीं। एक दिन इडली, कभी पूरी, कभी कबार पोंगल, ऐसी वैरायटी चाहिए मुझे। ए, नो प्रॉब्लम। ये चेंज सिर्फ खाने में नहीं, और फिर लव में भी। क्या लव में भी? तुम सुनो, तुम मुझे पसंद हो तो मैं आई लव यू बोला, कल उसे पसंद करूंगी उसे भी आई लव यू बोलूंगी, नेक्स्ट इसे पसंद करूंगी तो इसे भी आई लव यू बोलूंगी, ये पसंद आया तो इसे भी आई लव यू बोलूंगी। मुझे भी? हाँ सर। ए, मैं गैप नहीं दूंगा, जल्दी से शादी कर लूंगा। हाँ। वो नहीं संजू, पूरी लाइफ में एक इंसान के साथ नहीं रह सकती ना, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। अरे तेरी तो, तेरे पीछे घूम घूम के मेरे जूते घिस गए, तेरे पास फट के चक्कर में मैं वाइफ ढूंढना छोड़ दिया, तेरे लिए सुसाइड करने जा रहा था। मेरे जूते देखो, मुझे इस जूते से खुद को मारना चाहिए। तू जी फॉर गीता नहीं है, सी फॉर चीटर है, टी फॉर टेरर है, टी फॉर डॉग। ए भाई तू कौन है? तुझे तो अकेले में देखता हूँ। कबाब में हड्डी कहीं का। मेरा सारा काम खराब कर दिया, देख लूंगा तुझे मैं। थैंक यू। इट्स ओके। गुरु, गुरु। अरे वो लड़की कहाँ गई? उसने मुझे भी आई लव यू बोला यार। तुम गलत समझ रहे हो गुरु, उसने तुम्हें नहीं बोला, बल्कि उसने उस लड़के को उदाहरण दिया। तुमने भी सुना ना, यहाँ खड़े सभी लोगों ने सुना उसने क्या कहा। हाँ मैंने सुना, पर वो गई कहाँ? तुमने अच्छा सबक सीखा है। सुनिए एक मिनट, तुमसे कुछ कहना है। तुम लोग प्यार को समझते क्या हो? कपड़ों की तरह बदलने वाली कोई चीज है क्या प्यार? या फिर कोई मोबाइल सिम कार्ड है, जब दिल किया पुराना वाला फेंक दिया और जाकर नया खरीद लिया? तुमने लड़कों को एटीएम मशीन समझ के रखा है क्या? जब दिल किया एटीएम में स्वैप किया और पैसा निकाल लिया। Hey, I love you. फिर से क्या है? तुम्हें तो सिर्फ मुंह चलाना आता है, तुम्हें क्या पता है इस मैटर के बारे में? उसके पास देखभाल करने के लिए माता पिता है, कॉलेज जाने वाली एक बहन है जिसकी शादी करानी है, ये सारी जिम्मेदारियां है उस पर। लव लव करके खुद की भी लाइफ खराब करेगा और उनकी भी। मैंने खुद के कैरेक्टर को गिरा के उसकी लाइफ को बचाया है, समझे? बिना जाने कुछ भी बोले जा रहे हो तो। दीदी आपके पैर को एक नमस्कार। माफ कीजिए, धन्यवाद। आपके अच्छे इरादों को जाने बिना हमने आपको गलत समझा, मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी आपके जैसी लड़की चाहिए। जी फॉर गौरी माँ, के फॉर काली माँ, डी फॉर देवी बोलो ना। हाँ फिर ठीक है, प्लीज आप जाइए। मैं भी इनके जैसी एक लड़की से शादी करूंगा, देखना। मैं भी लाइन में हूँ। मंदिर आने के बाद ना मन को बहुत सुकून लगता है, ऐसा क्यों? हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तेरे जेब में एक पैसा नहीं है। स्वाति लिसन, तुम शॉपिंग करने जाओ, 5 मिनट में आ जाऊंगी मैं। ओके ना, बाय। ओके बाय। घूमने के लिए 4-4 लड़के चाहिए तुझे, उन्हें बैंकॉक ले जाएगा, वहाँ जाने के लिए तुझे सेटिंग भी कर रखी। मुंह तोड़ूंगा तेरा। क्या करूं भैया, मुझे सैंडविच बहुत पसंद है। यहाँ हम सभी को टोमेटो केचप बहुत पसंद है। एक पीसो रे, ए बस करो यार, ए तू जा यहाँ से, ए हट, पैसे टाइम पर देना। राजा तुम्हारी प्रेमिका आ रही है। हाय, आइए ना प्लीज बैठिए। थैंक यू। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी मैं दीवानी मैं दीवानी हो। क्या करूं गुरु, इनका चेहरा देखकर मुझे यही गाना याद आ गया। कोई बात नहीं भैया, हर कोई मुझे देख के यही गाना गाता है। बाय द वे, वो सेठ के लड़के को क्यों पीट रहे थे? या वो मशीन ग्राहक है। कैसी मशीन? मशीन, वॉशिंग मशीन, कपड़े डालो, धो और दो। हां ए,
वो क्या है कि हमने सेठ को ब्याज पर पैसे दिए थे, वो पैसे वापस कब करेगा उसी बारे में पूछताछ कर रहे थे। आपका ब्याज का बिजनेस? हाँ, हमारा बिजनेस, बैंक बिजनेस। आपके बैंक का कितना इंटरेस्ट है? फायर इंटरेस्ट। हम उनसे तब तक इंटरेस्ट लेते हैं जब तक वो मर ना जाए। हम उन्हें ऐसे शौक देते हैं कि ब्याज भरते भरते उनकी जिंदगी खत्म हो जाए और असल जो कहते ही रहे, फिर भी हम उन्हें नहीं छोड़ते। अब समझ में आया क्या? ये हमारी गेस्ट है ना, फ्रिज से इनके लिए कुछ ठंडा लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। नहीं बोल रही, छोड़ो गुरु। अरे जाना यार। एक्चुअली क्या है ना, वो मैं मंदिर आई थी। दर्शन हो गए? कोल्ड ड्रिंक्स। ये क्या है? फर्स्ट टाइम आई है ना, अतिथि देवो भवा, ये लीजिए। अबे तू ये क्या लेकर आ गया? तुम ही तो बोले थे फ्रिज में से ठंडा लेके आना, फ्रिज में यही सबसे चिल्ड था। क्या हुआ, ये इन्हें पसंद नहीं क्या? छी, थू, राजा। सॉरी सॉरी सॉरी, आपका ब्रांड यहाँ नहीं है, लेकिन चखने में मटन, चिकन और अंडा सब कुछ है अपने पास। छी, मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग ही पी लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हेलो हेलो मैडम। वो तो नहीं पी रहे, चल अपन ही पी लेते हैं। अंदर स्वाति, जल्दी चलो। राजा, राजा उठो। गीता, इतनी रात में तुम यहाँ? चैत्रा, गीता जल्दी बाहर आओ, चैत्रा अनवर के साथ घर से भाग गई है। क्यों? मम्मी पापा अब तक ये बात नहीं जानते हैं दीदी। गीता, राजा के पास जाके हेल्प मांगते हैं। राजा के पास? राजा कौन है? गीता का फ्रेंड है आंटी, तुम लोग जाके जल्दी से राजा को बुला के लाओ, जाओ। उसके मम्मी पापा को अभी तक नहीं पता। राजा प्लीज हेल्प करो, प्लीज प्लीज। चलो ए उठ, जीप की चाबी दे। सुनो, व्हाट्सएप पे फोटो भेजूंगा, सारे आदमी को भेज दो जल्दी। चाबी लो। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तुरंत मुझे फोन करना। ओके ओके। हेलो, लड़कों को बोलो कि रेलवे स्टेशन पे चेक करें, व्हाट्सएप पे मैंने फोटो भेजा है। सब जगह पे देखो, बस स्टैंड में भी चेक करने को बोलो, प्राइवेट बस को मत जाने देना, सबको चेक करो, कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए, हर जगह ढूंढो। रेलवे स्टेशन में नहीं है गुरु। क्या यहाँ पर भी नहीं भाई? यशवंतपुर में भी नहीं गुरु। गुरु, एरिया में सब लड़के ढूंढ रहे हैं। हाय राजा, मेरी फ्रेंड मिसिंग है सर, एक फोटो मुझे भेज देना। ठीक है सर, भेजता हूँ। हेलो, कंट्रोल रूम, और कोई नंबर है क्या? नहीं है। हेलो राजा, व्हाट्सएप पे जो लड़की का तूने फोटो भेजा है वो इधर ही है। कहाँ पर? कैंगरी रेलवे स्टेशन पे। चैत्रा कैंगरी रेलवे स्टेशन पे है। छोड़ दो उसे। राजा, तू इसमें इंटरफेयर मत कर, ये मेरा पर्सनल मामला है। क्या पर्सनल मामला है रे? प्यार में मुश्किल आएगी तो उसका सामना करना चाहिए, डरपोक की तरह भागना नहीं चाहिए। कितना भी मनाने के बाद मेरे घर वाले नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं? तो क्या करेंगे वो, बेटा बोलकर तेरी शादी करवा देंगे? उन्होंने पाल पोस कर तुझे बड़ा किया है, उनकी भी कोई मजबूरी होगी, इसमें इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? प्लीज राजा छोड़ दो, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, यहाँ पर भाग कर आ गई तुम, तुम्हारे पेरेंट्स इतना परेशान हैं, सोसाइटी में उनका नाम भी खराब हो सकता है, उनकी जिंदगी नहीं है क्या? माँ बाप अपने बच्चों पे बहुत भरोसा करते हैं, उनके भरोसे को मत तोड़ो, अगर भरोसा टूट गया तो वो भी तुमको दरवाजे के अंदर बंद करके जाएंगे, पर तुम उनके प्यार को समझ नहीं रहे हो। राजा, मैं इसे अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ। ए, पूरी हिस्ट्री देख ले, बिना घर वालों की मर्जी के कभी भी प्यार कामयाब नहीं होता। तुम दोनों आज भाग जाओगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजरेगी कभी इसके बारे में तुमने सोचा भी है? जब तक माँ बाप साथ में हैं, उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती, उनके ना रहने पे समझ में आती है। इतनी बड़ी भूल मत करो, अपने प्यार के लिए तुम एक साल इंतजार कर सकते हो ना, उसी तरह अपने पेरेंट्स के लिए तुम एक साल इंतजार नहीं कर सकते? देखो, प्यार करना गलत नहीं है, प्यार की मैं इज्जत करता हूं। अनवर, मेरी बात समझ में आ रही है? चैत्रा, तुम्हारे माँ बाप को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। सॉरी राजा, इसके लिए तो मैं जीवन भर इंतजार कर सकता हूं। Thank you.
बाय दीदी। बाय। राजा तुम्हें अपने माँ बाप बहुत पसंद है क्या? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रहते? गीता तुम कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अनवर को भूल नहीं पा रही हूँ। सुन चित्रा जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ए, राजा आया है। हाय। हाय। हाय राजा। हाय। सॉरी उस दिन मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर पाई, सो इसके लिए बुलाया। अरे कोई बात नहीं, आओ बैठो कॉफी पीते। राजा आओ तुम यहाँ बैठो। अरे बैठना यार। अरे आओ गुरु मैं बोल रहा हूँ ना। क्या बात है चिका, इस चेयर में कोई वास्तु दोष है क्या? वो जगह मेरे दोस्त राजा के लिए एकदम परफेक्ट है। हा? तो क्या लव है? बहुत अच्छा माहौल है, अगर आपकी मैडम सहमत है तो जरूर प्यार की बारिश। What nonsense यार। जी फॉर गीता जी, आपको एल फॉर लव से एलर्जी है क्या? लड़कों के फिल्मी डायलॉग मारने पर पटनी वाली सेंसलेस गर्ल नहीं हूँ मैं, लाइफ में क्लैरिटी और पक्का प्रैक्टिकल सोचने वाली हूँ मैं। इधर कोई लड़का सडनली तुम्हारे पास आके अगर आई लव यू बोले तो तुम क्या बोलोगी? चप्पल से मारूंगी। अगर कोई लोफर को चप्पल से मारोगी तो ओके, अगर राजा जैसा जेंटलमैन बंदा आई लव यू बोले तो? राजा क्या? मार्केट में ब्याज का धंधा करने वाले राजा के साथ मेरे जैसी हाईफाई लड़की ने फ्रेंडशिप की, यही बहुत ज्यादा है। और उसमें भी प्यार। एनीवेज अकॉर्डिंग टू मी अगर प्यार किया तो उसमें एथिक्स देखो, मोरालिटी देखो, ज्यादा से ज्यादा स्टेटस मैच हो रहा है कि नहीं देखो, सही हो ना राजा? राजा चल। हेलो मैडम, इंग्लिश में बात करने से कोई हाईफाई नहीं बन जाता, स्टेटस कुछ मीठी मीठी बातें करने से नहीं, दिल के अंदर होना चाहिए। किससे पूछा तुमने स्टेटस? क्या तुम जानती हो उसका स्टेटस क्या है? बोलो क्या जानती हो तुम? चीका चल। आ रहा हूँ गुरु। छे गीता ये तुमने ऐसा क्यों बोल दिया उसे? वो चिका उधर देखो। बहुत सही था ना? गुलाब, मोगरा, गुड़हल, चमेली, लिली, कमल, सब फ्लावर का पूरा मार्केट अपनी ऑफिस की तरफ क्यों आ रहे हैं? हाय। हाय चेयर गर्ल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक ही चेयर है, सिर्फ एक ही बैठी। नहीं नहीं छोड़ो, राजा की तरह। राजा क्यों, मंत्री से काम चला लो। हम यहाँ पोस्टर देखने नहीं पिक्चर देखने। जबड़ा हिलाने वाला मैटर क्या है? अर्जेंट है, 30,000 उधार चाहिए। मिल जाएगा, तुम लड़कियों को नहीं देंगे तो और किसको देंगे? गिरवी रखने के लिए क्या लाई? गिरवी रखने के लिए हम ऐसा कुछ नहीं लेकर आए हैं। अरे चलेगा, ये पिंक इज पिंक है ना, इसे रख के जाओ। हम 3 दिन तक इंकू पिंकू डोंकू खेलते रहेंगे और फिर बाद में इसे आके लेके जाना। ओके चलेगा ना तुम्हें? चलेगा ना? बी छी नहीं जी सी। मैं राजा के आने के बाद बात करती हूँ। वहाँ पैसा नहीं मिलेगा, तुम जाओ। पिंकी यार इधर बैठ जा। पिंकी गीता। हाय। राजा आ गया, राजा आ गया। राजा ये देख गीता आई है। अरे तुम तो अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ आई हो, बैठो ना। थैंक यू। ये मेरी फ्रेंड अनीता है, जॉब मिला है सो हमने सोचा इसे ट्रीट ले ले। वो क्या है ना, मंथ एंड है, कैश नहीं है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी क्रॉस हो गई है, सो आपसे 30,000 की उधारी चाहिए। नो प्रॉब्लम करीम भाई। ओके बॉस। वैसे 30,000 की ट्रीट? हाँ, हमने एक्चुअली ले मेरिडियन होटल में ट्रीट मांगी थी, सो यू नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, दैट्स व्हाई। फ्रेंड्स के लिए उधारी लेते हुए मैंने सुना है, उधारी दिला के उससे पार्टी मांगने वाली फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बस दे दो। 3 दिन के अंदर वापस कर देंगे। हाँ? No problem. इसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला नहीं। अरे नहीं, 3,000 रुपए। 3,000 रुपए फायर इंटरेस्ट सिर्फ कस्टमर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए नहीं। आप आराम से देना, कोई बात नहीं। थैंक यू। महिलाओं की सेवा, एंजॉय। वैसे आप कुछ पियेंगे क्या, चाय वगैरह? कुछ नहीं चाहिए। चिल्ड्रन? नहीं, 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 कुछ नहीं लाना। नहीं नहीं कुछ नहीं, चलेगा चलेगा। ले लो ले लो, कुछ नहीं चाहिए। क्वार्टर? कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए। मैं टी कॉफी की बात कर रहा था, बोतल दूंगा, ये क्यों सोच रही हो? ए चुप हो जा गीता, आप गलत मत समझिए। ए छोटो, ये कॉफी अच्छी बनाता है। अच्छा, पैसे मिल गए ना। थैंक यू। एक्चुअली यू नो व्हाट गीता, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं।